बीते दिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। हालांकि मुलाकात बरसी को लेकर उन्हें आमंत्रण पत्र देने गए थे, लेकिन दोनों नेता साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसलिए राजनीति में चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे साथ जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। मुलाकात व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन साथ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक दूसरे को नेता बताना, क्या लगता है? देखिए, दलित विमर्श और सार्वजनिक जीवन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ दिवंगत रामविलास पासवान जी के वर्षी के लिए आमंत्रण देने की बात मीडिया में आई, तो स्वाभाविक है हर राजनीतिक दल के व्यक्ति को यह अधिकार है कि उनका सम्मान करना, हर कोई सम्मान करता है, समाज के हर तबके का व्यक्ति। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे चीज़ों का बाजारीकरण नहीं करना चाहिए। रामविलास जी के प्रति श्रद्धा निवेदित करना, अब एक दूसरे को नेता तो स्वाभाविक न मानेंगे भाई। आज तेजस्वी यादव अगर विधानसभा पहुँचे हैं तो चिराग पासवान के कृपा से पहुँचे हैं ना। चिराग पासवान ने उम्मीदवार दे करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का खिलाफत किया, तो स्वाभाविक है, पहले आप परोक्ष थे, अब परोक्ष रूप से अब सीधे तौर पर मिल रहे हैं, इसलिए इसके राजनीतिक निहितार्थ उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चूँकि ये पारिवारिक राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं, इनके यहाँ पारिवारिक द्वंद्व हो रहा है, तो स्वाभाविक है एक दूसरे के पूरक ही बनेंगे, इसलिए इसके और कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं हो सकते। क्या बीते विधानसभा में एनडीए के कई सीटों पर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचा, आप लोगों को भी? चिराग, आपने कहा कि तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे, अब खुलकर दोनों व्यक्ति सामने आ रहे हैं, कई सीटों पर, दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जब खुलकर सामने आ रहे हैं तो उन दो सीटों पर नुकसान या कुछ? चिराग पासवान जी तो अकेले ना हैं भाई, अकेले हैं ना, अब कहाँ है ना आगे नाथ ना पीछे पघा, पूरी पार्टी टूट गई, तो अब इनके एक व्यक्ति की क्या हैसियत होती है? राजनीति जमात से होता है, राजनीति व्यक्ति परक नहीं होता है, ये भ्रम निकाल लेना चाहिए लोगों को। इसलिए यह महत्वपूर्ण भाई, तो बेचारे टूल्स तो हथियार ही थे। चिराग पासवान जी की पार्टी अगर टूटी तो किस बात के लिए टूटी? कि आप लालू यादव की सेवा कर रहे थे राजनीति का, आप बिहार में जंगल राज लाना चाहते थे, अब मेरे खिलाफ ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ भी उम्मीदवार देकर के क्या संदेश दिया था? तो संदेश यही दिया था कि हम आपके सेवा में तैयार हैं, तो ये संदेश आज इनको भारी पड़ गया, इनके दल में, इनके परिवार में भारी पड़ गया। सब कोई समझ लिया कि भाई ये चिराग पासवान जो है ललटेन लिए हुए हैं, तो ललटेन तो बुझिए गया और चिराग भी उसमें बुझ गया, यही स्थिति हो गई। एक सवाल है लालू परिवार को लेकर, तेज प्रताप ने अपना छात्र रिंग बनाया, सिंबल भी जारी कर दिया, हाथ में लालटेन है। देखिए, स्वाभाविक ही पारिवारिक राजनीति है, इसमें बहुत द्वंद्व है, आई इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सवाल तो पेश है कि भाई तेज प्रताप यादव बड़े बेटा, परंपरा से उनको विरासत मिलना चाहिए, दूसरा कि संपत्ति का विरासत भी उन्हीं को मिलना चाहिए ज़्यादा, मैंने 420 का केस खाली तेजस्वी झेलेगा, दूसरा नहीं झेलेगा भाई, आरोप तो सब संपत्ति के हकदार होंगे ना। और साथ ही साथ ये लालू जी की जुबान क्यों खामोश है? चिंता हमको यही लग रहा है कि लालू जी, आप तो शरद जी से मिल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सबसे मिल रहे हैं, लेकिन घर वाला पर आप चुप हो गए हैं क्यों? अब हाथ में ललटेन, अब समझ लीजिए, पहले ललटेन हर घर के दरवाजे पर लालू राज में टिका रहता था, तो तेज प्रताप यादव को एहसास हो गया कि अब ललटेन का ज़रूरत है नहीं, ललटेन के चलते हम बहुत परेशान हैं, हमको वोट नहीं मिलता है, तो वो अपना एक दिमाग लगाए कि हाथ में ललटेन, तो हाथ में ललटेन लीजिएगा, तो हाथ पर भी जनता पूछ रही है कि भाई 45 वर्ष तक हाथ का राज रहा तो बिहार में घर घर बिजली क्यों नहीं पहुंचा जब कोयला खदान था, और ललटेन के बारे में तो समझे था कि अपराध अगर हो रहा है, गुनाह होगा तो कैसे होगा, अगर रास्ता में बिजली रहेगा तो पुलिस को जाने में आसानी होगा ना, अब तो अपराधी पकड़ा जाता है, इसीलिए तो सब सोच समझ कर करके साइलेंट इलाज लालू जी का कर रहा है अब। लेकिन समस्या यह है कि लालू जी की जुबान आखिर कैद खाने में क्यों कैद हो गई? लालू जी को चिंता करनी चाहिए, उनका पारिवारिक राजनीति का कुनबा है। अरे, सब परिवार को जब कुछ मिल जाएगा तभी ना दूसरा किसी को मिलेगा उस पार्टी में, इसलिए लालू जी की जुबान खामोश क्यों? यह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा होगी और हम तमाम लोगों की अपेक्षा है कि लालू जी ऊ वाचा।
तो बिल्कुल जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच जो दूरियां सामने आ रही है, छात्र विंग बनाया गया पहले से छात्र राजद के बावजूद जो है छात्र जनशक्ति परिषद की गठन किया गया, उसके बाद अब सिंबल भी जारी कर दिया गया। कहीं ना कहीं सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका नहीं दिख रही है। देखते रहे लाइन्स बिहार, नमस्कार।